तो दोस्तों, जैसे मैं आप लोग को पता है कि कल से जो है इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू है, वैसे में यहाँ पर बिहार बोर्ड की तरफ से यहाँ पर 5 सबसे बड़ी जो है यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर जो है मैं 4 नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर आप लोग को दिखाने वाला हूँ। वैसे में यहाँ पर बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद जो है बिहार बोर्ड ने फैसला जो है यहाँ पर बदल दिया है कि अब जो है यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है ऐलान कर दिया है, अलाउ कर दिया कि यहाँ पर जो है अब जो है आप लोग जूता मोजा पहन कर जो है दे सकेंगे परीक्षा। अब जो है यहाँ पर अलाउ कर दिया कि सोमवार से शुरू होने वाली इंटरमीडिएट परीक्षा में परीक्षार्थी अब जो है जूता मोजा पहनकर न सिर्फ परीक्षा भवन में जाएंगे बल्कि इसे पहने हुए ही वह अपनी सीट पर जो है बैठकर परीक्षा देंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपवादा स्वरूप इस बार के लिए जो है चप्पल पहनकर जो है यहाँ पर परीक्षा भवन आने की अनिवार्यता को जो है समाप्त कर दिया है। देर रात तक जो है शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ट्वीट कर बिहार बोर्ड के आदेश में जो है बदलाव की जो है यहाँ पर जानकारी दी। साथ में उन्होंने बोर्ड के सचिव का आदेश भी टैग किया। गौरतलब हो कि आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने 30 जनवरी के अंक में जो है परीक्षार्थियों को परेशानी किया मुद्दा प्रमुखता से जो है यहां पर उठाया था। शनिवार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद जो है बिहार बोर्ड ने अपना पुराना फैसला जो है निरस्त कर दिया है और यहाँ पर दरअसल पत्रकारों के कड़ाके की ठंड में बिना जूता मोजा के परीक्षा देने में जो है परीक्षार्थियों को होने वाली परेशानी के संबंध में जब मुख्यमंत्री से सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि आपदा प्रबंधन समूह इस पर जो है विचार कर रहा है, वह पूरी तरह जो है यहाँ पर इसका ध्यान रखेंगे और उचित निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद जो है बिहार बोर्ड ने यह पहल जो है की है। प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि राज्य में जारी शीतलहर को देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो है अपने नियम में जो है संशोधन किया है और रविवार को इसको लेकर विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा। उधर आने की जो है आज जो है रविवार है, इसकी जो है विज्ञापन जो है बिहार बोर्ड द्वारा जो है जारी कर दी जाएगी। उधर बिहार बोर्ड के सचिव ने अपने आदेश में जो है कहा है कि इंटर की सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा जो है 1 फरवरी से 13 फरवरी तक होनी है। इसको लेकर 29 जनवरी 2021 को निर्देश दिया गया था कि परीक्षा भवन में परीक्षार्थियों को चप्पल पहनकर ही आना, जूता मोजा पहनकर आना पूर्णतः वर्जित है, परंतु राज्य में भीषण शीतलहर के कारण जो है छात्र हित को ध्यान में रखते हुए जो है इस निर्देश को करिका 2 को तत्काल निरस्त करते हुए जो है अपवाद स्वरूप इस वर्ष की इंटरवार्षिक परीक्षा में जो है परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। बोर्ड की इस आदेश की जानकारी सभी परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, केंद्र अधीक्षक, जिले प्रतिनियुक्त नोडल अफसर, DPO एवं DO और जिला अधिकारी के लिए जो है जारी कर दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पर जो है पुराने आदेश को जो है यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। BSEB ने जो है यहाँ पर चप्पल पहनकर आने के आदेश को जो है निरस्त कर दिया गया है और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने देर रात तक जो है यहाँ पर ट्वीट कर जो है जानकारी दी कि यहाँ पर जो सभी छात्र छात्राओं ने जो है अब जूता मोजा पहनकर जो है अपना परीक्षा दे सकते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग को इसके लिए जो है अलर्ट कर दिया गया है, वह पूरी तरह इसका ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं राज्य में जारी शीतलहर को देखते हुए जो है यह फैसला लिया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपने नियम में संशोधन किया है और इसको लेकर रविवार को विज्ञापन भी यहाँ पर प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि आज जो है यहाँ पर रविवार है। आप पर देखिए हर जिले में बने 4-4 मॉडल केंद्र परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम जो है चालू कर दिया गया है। जैसे मैं आप लोग को पता होंगे केंद्र पर 10 मिनट पहले तक ही मिलेगा प्रवेश। देखिए यहाँ पर आप लोग ये निर्देश जो है आप लोग जान लीजिए, अन्यथा जो है आप लोग जो है यहाँ पर परीक्षा से भी वंचित हो सकते हैं। यहाँ पर जो है किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए जो है आप लोग को एग्जाम देना है तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि रखे ध्यान कैलकुलेटर, मोबाइल नंबर, ब्लूटूथ ईयरफोन या किसी तरह का जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर नहीं जाना है। प्रवेश पत्र में पेन और पानी की बोतल लेकर जाने की केवल अनुमति मिलेगी। यहाँ पर जो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, पेन और पानी की बोतल जो है लेकर आप प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश पत्र पर फोटो की त्रुटि हो तो आधार नंबर, वोटर आईडी कार्ड, पैन नंबर लेकर जो है केंद्र में जो है आप लोग प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप लोग को प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड में जो है आप लोग को त्रुटि है तो उसके बाद जो है यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा कक्ष से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि जो अगर आप लोग परीक्षा हॉल में प्रवेश कर जाते हैं उसके बाद जो है आप लोग को बाहर निकलने की अनुमति जो है नहीं दी जाएगी, आप लोग नहीं निकल सकते हैं। और प्रवेश पत्र गुम हो जाए या घर पर छूट जाए तो उपस्थिति पत्रक से जो है मिलान कर जो है प्रवेश जो है आप लोग को दिया जाएगा अंदर जाने की। अब यहाँ पर देखिए कंट्रोल रूम जो है यहाँ पर चालू कर दिया गया है। कंट्रोल रूम का जो है आप लोग नंबर भी यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं राज्य भर में यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश भर में जो है परीक्षार्थी जो है 13,50,233 है। छात्र की संख्या जो है 7,03,693, छात्राओं की संख्या जो है 6,46,540 है। और कुल परीक्षा केंद्र यानी कि कुल परीक्षा सेंटर जो बनाया गया है 1400 यानी कि 1,473 परीक्षा केंद्र जो है बनाए गए हैं। पटना जिले की बात करें तो कुल परीक्षार्थी जो है पटना जिला में 80,882 है और छात्र परीक्षार्थी की संख्या जो है यहाँ पर 41,789 है। छात्रा परीक्षार्थी की संख्या जो है यहाँ पर 39,093 है और कुल परीक्षा केंद्र जो है पटना में 85 केंद्र जो है बनाए गए हैं यहाँ पर।
और यहाँ पर देखिए किन किन जो है आप लोग को और यहाँ पर बातों को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पर परीक्षा देना है। डाउट नॉट, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट नॉट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डाउट नॉट पर। साथ ही डाउट नॉट पर क्लास 9वीं से 12वीं बच्चों के लिए चल रही इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस यानी पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी डॉट नेट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। देखिए यहाँ पर बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सोमवार से जो है शुरू होगी, यानी कि कल से जो यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा जो है बिहार बोर्ड की शुरू होगी। परीक्षार्थियों को केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले तक ही प्रवेश मिलेगा। अगर आप लोग 10 मिनट बाद जाते हैं तो यहाँ पर जो आप लोग को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। आने की जो है अगर आप जैसे मैं यहाँ पर 9:30 से जो है एग्जाम है, वैसे अगर आप 9:21 में अगर आप प्रवेश करेंगे तो आपको जो है अनुमति नहीं दी जाएगी। आप लोग को 9:20 से जो है पहले जो है आप लोग को प्रवेश कर जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। आने की जो है आप लोग को 9 बजे ही आप लोग को यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो आप लोग को 9 बजे ही यहाँ पर आप लोग को प्रवेश कर जाना है परीक्षा हॉल में, अन्यथा जो आप लोग परीक्षा से वंचित भी हो सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने साफ साफ जो है यहाँ पर बता दिया है कि प्रथम पाली जो है 9:20 और दूसरी पाली में जो है यहाँ पर 1:35 तक ही केंद्र पर जो है यहाँ पर प्रवेश मिलेगा। प्रथम पाली 9:30 से और दूसरी पाली जो 1:45 से जो है परीक्षा जो है शुरू होगी। परीक्षा संचालन के लिए जो है शनिवार से कंट्रोल रूम जो है चालू कर दिया गया है, यानी कि जो है कॉलेज से जो है यहाँ पर कंट्रोल रूम को जो यहाँ पर चालू कर दिया गया है। यहाँ पर कंट्रोल रूम 6:00 से लेकर जो है शाम 6 बजे तक जो है चलेगा। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी को मास्क लगाकर रहना है, साथ में छात्रों को अपने साथ ही सैनिटाइजर लेकर आना। दिव्यांग परीक्षार्थी को जो है लेखक को मास्क या फेस कवर जो है पहनकर आना है। शनिवार को जो है तमाम परीक्षा केंद्र को जो है सैनिटाइज किया गया है। इसके अलावा छात्र को पक्तबंद प्रवेश के लिए जो है गोला बनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो है सारे दिशा निर्देश सभी केंद्र अधीक्षकों को जो है भेजे गए हैं। हर जिले में जो छात्राओं के लिए जो है मॉडल परीक्षा केंद्र जो है बनाए गए हैं और यहाँ पर जो है मॉडल परीक्षा केंद्र पर जो है यहाँ पर मॉडल केंद्र को गुब्बारे और फूलों से जो यहाँ पर सजाया जाएगा। यहाँ कालीन आदि बिछाए जाएंगे। पटना जिले की बात करें तो 4 मॉडल केंद्र जो है बांकीपुर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग एवं बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय JD बीमेश कॉलेज और शास्त्री नगर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार परीक्षार्थियों की का संघनन जांच की जाएगी। जांच के उपरांत जो है परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की जो है अनुमति दी जाएगी। परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री, थैला, पॉलिथीन बैग, गाइड, मोबाइल फोन आदि को परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी परिस्थिति में उक्त सामग्री परीक्षा कक्ष के आसपास अथवा बरामदे में नहीं रखी जाएगी। यानी कि जो इतने सामान जो है आप लोग नहीं परीक्षा कक्ष में रख सकते, नहीं जो है आप लोग बरामदे में जो है यहाँ पर रख सकते हैं। और सभी परीक्षा केंद्र पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 144 की धारा जो यहाँ पर लागू रहेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर जो है पुलिस की यहाँ पर जो है निगरानी रहेगी, वहाँ पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। थाना अध्यक्ष जो यहाँ पर सहयोग करेंगे। साफ साफ जो यहाँ पर बताया गया है पटना जिले में जो है यहाँ पर 84-85 केंद्रों पर जो है यहाँ पर परीक्षा होगी। साफ साफ जो है बिहार बोर्ड ने यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर जो यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर जो है बिहार बोर्ड यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना से बचाव के लिए जो है ये दिशा निर्देश जो यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए परीक्षा केंद्र के आसपास की दुकानों को जो है बंद करने का जो है यहाँ पर निर्देश दिया गया है। यानी कि जो भी आप लोग का परीक्षा सेंटर होंगे वहाँ के आसपास की दुकानों को जो है यहाँ पर बंद करने की जो यहाँ पर निर्देश दिया गया है। वहाँ पर जो यहाँ पर बुक एवं फोटोकॉपी की दुकान जो है वहाँ पर बंद रहेंगे, बिहार बोर्ड ने साफ साफ जो है यहाँ पर बता दिया है। तो यही जो है नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड की तरफ से जो है निकल कर आ रही थी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।